क्या आप लोग जानते हैं गाइस, मिस्टर सेंट अगस्तिन जी अपने टाइम पर कहते हैं कि दुनिया एक किताब की तरह है, बट अगर हम लोग ट्रैवल नहीं करते तो सिर्फ हम एक ही पन्ना पढ़ते रह जाते हैं। तो अगर हमें सारे पन्नों को पढ़ना है वन बाय वन, तो वी नीड टू ट्रैवल द वर्ल्ड, जिससे हमें डिफरेंट कल्चर्स मिलते हैं जानने को, डिफरेंट लोगों से इंटरेक्ट करने का मौका मिलता है और न्यू प्लेसेस एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है। तो ये हमारा गोवा का 3 days 2 nights का जो ट्रिप था वो काफ़ी शानदार रहा, एंड दैट वाज इन दी 4-star होटल विच इज़ दी नीलम्स होटल, ऑर्गेनाइज बाय नन अदर दैन वन ऑफ द बेस्ट इंडियन डायरेक्ट सेलिंग कंपनी इन दी इंडिया, टॉप में आप कह सकते हैं वेस्टीज। तो अभी हम लोग नीलम का हम लोग एक्सप्लोर करने वाले हैं कि जो 3 days 2 nights का जो सफ़र था वो कितना शानदार रहा, मतलब इतनी एमिनिटीज़ के थ्रू। और यहाँ पर दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि बहुत ही नज़दीक में आपका यहाँ से, मतलब इन्होंने लोकेशन बहुत अच्छा है कि मतलब KFC के बाजू में है, तो इजी टू मतलब लैंडमार्क बहुत अच्छा है। और यहाँ से ही नज़दीक में कलंगूट बीच है, वो भी काफ़ी शानदार रहा, मतलब बीच में यहाँ का जो गोवा का कैश्यू जो होते हैं वो काफ़ी फेमस होते हैं, तो आपको मैक्सिमम आपको कैश्यूज़ के आपको यहाँ पर और रेस्टोरेंट्स के आपको बहुत सारे मतलब आउटलेट्स मिल जाएंगे। अभी हम लोग एंटर कर चुके हैं दोस्तों, ये वाला हमारा नीलम का होटल है, एंड जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं दोस्तों, मतलब ये जो था मतलब 3 days 2 nights का जो ट्रिप था वो करने का रीज़न ये था कि हम अपने टीम साइज़ को कैसे बढ़ा सकते हैं, जो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे इनक्रेडिबल इंडिया एंड फ्लाइंग फ्रॉम दुबई टू गोवा, इट वॉज़ अ फैंटास्टिक एक्सपीरियंस। अगेन सॉरी, फ्रॉम शारजा टू गोवा थ्रू एयर अरेबिया, इट वॉज अगेन अ फ्लाइंग ग्रेट एक्सपीरियंस। और यहाँ पर जैसे हम लोग अंदर एंटर कर रहे हैं दोस्तों, देख पा रहे होंगे कि सभी अपने अपने अलग अलग टीम मेम्बर्स अपने अपने फोटोग्राफ्स क्लिक कर रहे हैं, तो एक मेमरीज क्रिएट करना। देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि गोवा आना कोई बड़ी बात नहीं है, मतलब आपने कुछ अर्निंग्स करी और आप आकर चले गए, बट उसमें इतना मज़ा नहीं आएगा जितना आप अपने टीम मेंबर्स के साथ, अपने बिजनेस पार्टनर्स के साथ, सब लोग जब मिलकर जब इन्जॉय करते हैं ट्रिप को, तो एक अलग ही एक्साइटमेंट होता है, अलग ही थ्रिल होता है। और यहाँ पर जैसे दोस्तों आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ से स्टार्ट होता है, ये एक रिसेप्शन हॉल है दोस्तों। यहाँ पर मतलब जिस दिन हम लोग आए थे 2 दिन पहले, तो यहाँ पर मतलब हमें मिला था, मतलब कूपन्स वगैरह मिले हुए थे, इस तरीके का बैन वगैरह मिला हुआ था, जिससे हमें मतलब कहीं पर भी फूडिंग में जाते हैं तो ईजी हो जाता है। चेक इन के लिए हमें मतलब यहीं से मिला हुआ था, तो काफ़ी शानदार एक्सपीरियंस रहा। और यहाँ पर इन्होंने बैठने के लिए बहुत अच्छा बनाया, और ये जैसे आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, मतलब सिटिंग एरिया इन्होंने काफ़ी शानदार बनाया है, एज अ वेटिंग एरिया भी आप कह सकते हैं कि जो लोग अभी तक चेकआउट नहीं कर पाए, तो जो चेक इन के लिए आना चाह रहे हैं तो वो ईजी यहाँ पर वेट भी कर सकें। हम लोग भी मतलब 2 दिन पहले आए थे, तो हम लोग यहाँ पर वेटिंग कर रहे थे हम लोग, तो एक अलग ही शानदार मेमरी क्रिएट हुई थी। और अभी हम लोग दोस्तों, अभी हम आपको एक नीलम के होटल का एक शानदार से लोकेशन पर लेकर जाने वाले हैं, और वो है दोस्तों स्विमिंग पूल। गर्मी का सीज़न था दोस्तों, और गर्मी और बारिश दोनों का मिक्सअप था, कॉम्बिनेशन, तो काफ़ी शानदार रहा। मतलब ये आप जैसे देख पा रहे होंगे दोस्तों, मतलब सभी अपने अपने टीम मेंबर्स के साथ मतलब यहाँ पर गेट अलॉन्ग कर पा रहे हैं, एंड हर उसमें आप देख पाएंगे दोस्तों, इनका मेन पर्पज़ यही है कि कैसे हम अपने टीम साइज़ को बढ़ाकर अपने बिजनेस को और एक्सपांड कर सकें। क्योंकि जितने भी आप दोस्तों आप देख पा रहे होंगे, मतलब चाहे वो कोई भी मतलब ब्रांड्स के आप देख पा रहे होंगे मैनेजिंग डायरेक्टर, सभी लोगों ने अपनी अपनी टीम्स बनाई हुई है, चाहे रियल एस्टेट इंडस्ट्री की बात करें या चाहे आप मतलब किसी और की भी बात करें। मतलब तो अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं दोस्तों, मतलब यहाँ पर अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं लोगों के लिए। तो जैसे यहाँ पर सामने आप देख पा रहे होंगे ए ब्लॉक, तो ऐसे ऐसे करके मतलब बहुत सारे अलग अलग ब्लॉक्स बने हुए हैं। मतलब तो यहाँ पर जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उन सभी लोगों के लिए बहुत शानदार था, ऑलमोस्ट 400+ डिस्ट्रीब्यूटर्स थे एक होटल में, ऐसे 3 होटल्स थे यहाँ पर। और साथ ही साथ सबसे शानदार बात कि मतलब हर 3-3 दिन बाद मतलब इस तरीके के ट्रिप्स हो रहे हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 15,000 लोगों ने मतलब क्वालिफाई किया हुआ था इस इनक्रेडिबल इंडिया टूर को। तो सबसे पहले तो मैं कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूँगा सभी लोगों को, मतलब जिन्होंने मतलब इसको अचीव किया, एंड इसको अचीवमेंट्स को हम लोग मतलब बरकरार रखना है हमें, मतलब कंटिन्यूसली मतलब लोगों को सर्व करते रहना है हमारे हेल्थ केयर की रेंज के थ्रू।
क्योंकि आज की डेट में दोस्तों मतलब ज़्यादातर लोग मतलब एक अच्छा पैसा तो बना पा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हेल्थ अवेयरनेस ना होने की वजह से कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ इश्यूज़ आ जाते हैं, और जिसकी वजह से या तो हम या हमारे नियर एंड डियर वंस को हम खो बैठते हैं। तो उसके लिए कहीं ना कहीं हमें अवेयरनेस आ रही है, तो उस अवेयरनेस को जितना हो सके लोगों के साथ स्प्रेड करें, शेयर करें, ताकि लोगों की एक हेल्दियर लाइफ लीड कर पाएँ। और ये जैसे आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, मतलब स्विमिंग पूल बहुत शानदार इन्होंने बनाया हुआ है, मतलब बीच में ये भी बनाया, तो इस हिसाब से एक यहाँ पर मतलब खेल भी सकते हैं मतलब एक हिसाब से मतलब, और साथ ही साथ स्विमिंग का भी मतलब एक अलग ही एक्सपीरियंस इंजॉय कर सकते हैं। और जैसे दोस्तों अभी हम लोग लीड कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर ए से लेके एफ अलग अलग आपके ब्लॉक्स बने हुए हैं, ए बी सी डी इस तरीके के। और जैसे यहाँ पर मतलब बालकनी का आप लोग व्यू देख पा रहे होंगे दोस्तों, कितना शानदार है मतलब अपने आप में। हमारा रूम भी दोस्तों अभी आप लोगों ने मतलब देख ही चुके होंगे, और ये सामने आप देख पा रहे होंगे दोस्तों मतलब ये है जिम। यहाँ पर मतलब आप अपने फिटनेस के रिलेटेड मतलब आप अपने, कहा जाता है ना मतलब दोस्तों कि अगर हम अपनी हेल्थ को अर्न करना है, वी कैन ऑल्सो अर्न द हेल्थ। सो सबसे पहले ई ए आर एन में आता है, ई स्टैंड्स फॉर एक्सरसाइज। तो एक अच्छी फिजिकल एक्सरसाइज 30 मिनट्स की बहुत ज़रूरी है हमारी डेली लाइफ में, और स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग 5 मिनट्स एक छोटी सी हैबिट से। 5 मिनट्स का कमिटमेंट कर सकते हैं कि डेली हम लोग सिर्फ और सिर्फ 5 मिनट्स की एक्सरसाइज करेंगे, चाहे वो वॉकिंग हो, चाहे वो घर पे अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हो। तो अभी आप देख पा रहे होंगे दोस्तों, तो ये तो दोस्तों अभी आप लोगों ने फिटनेस का देखा। अब आइए दोस्तों, अभी हम लोग आपको लेकर चलते हैं हमारे नीलम का एक शानदार सा बॉल रूम, जहाँ पर मतलब मीटिंग ऑर्गेनाइज की हुई थी, और थ्री वर्कशॉप्स हुए थे, मतलब काफ़ी वैल्यूएबल रहे, मतलब नॉट ओनली मोटिवेशनल बट एजुकेशनल सेशन था, जिससे लोगों को काफ़ी एम्पावरमेंट हुई। 400 से ज़्यादा लोग थे दोस्तों, तो 400 से ज़्यादा लोगों को मतलब एम्पावरमेंट हुई कि अपने बिजनेसेस को बढ़ाने के लिए कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले अपनी नॉलेज को एनहांस करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों नॉलेज इज अ पोटेंशियल पावर। आइए हम लोग उस साइड चलते हैं दोस्तों, और उस साइड से भी हम लोग नज़रिया देखते हैं, कितना मतलब शानदार आ रहा है मतलब पूल का, आप लोग देख पा रहे हैं। तो इट्स अ 4-स्टार प्रॉपर्टी में दोस्तों, मतलब इतना शानदार लोकेशन में मतलब आना, लोगों के साथ मतलब गेट अलॉन्ग करना, नेटवर्किंग करना, तो एक अलग ही थ्रिल होता है दोस्तों। और साथ ही साथ मतलब जो नेचुरल आप ब्यूटी देख पा रहे होंगे ट्रीज वगैरह के थ्रू, ग्रीनरी, वो अपने आप में एक शानदार मतलब एक एक्सपीरियंस आता है दोस्तों। और मैं रिलेट कर पा रहा हूँ यहीं पर दोस्तों, यहाँ पर आप देखेंगे इस एरिया में, यहाँ पर मतलब हमारे ही मतलब सीनियर बिजनेस लीडर्स हैं, जो 10 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है उन लोगों का। यहाँ पर लोग मतलब मेडिटेशन वगैरह के लिए मतलब उन्होंने अर्ली मॉर्निंग सेशंस लिए हुए थे, अपनी हेल्थ को एनहांस करने के लिए, मेंटेन करने के लिए। इट्स अ काइंड ऑफ अ मेडिटेशन एक्सरसाइज। तो यहाँ पर इन्होंने ड्रिंकिंग वाटर भी बनाया हुआ है, और यहाँ पर मतलब आपको जो भी फूडिंग्स वगैरह बन रहे होते हैं वो यहाँ पर जाते हैं अंदर। और ये दोस्तों अभी हम लोग जाएंगे, ऑलरेडी हम लोग मतलब रेस्टोरेंट्स जो बूफे जो हमें मिला हुआ था उसको हम लोग ऑलरेडी मतलब शोकेस कर चुके हैं, मतलब अलग अलग उसमें, तो आप लोग देख पाएंगे। अभी डायरेक्टली हम लोग दोस्तों चलने वाले हैं, आप लोगों को एक शानदार सी चीज़ दिखाने वाले हैं। मतलब कोई भी बिज़नेस अगर हम लोग करते हैं दोस्तों, बिज़नेस माइंडसेट से सोचें दोस्तों, अगर आप एज अ ट्रेडिशनल बिज़नेस कर रहे होते हैं, तो एक 500 से 1000 स्क्वायर फीट की जगह लेने के लिए, एक दिन के रेंट पे लेने के लिए, ताकि आप उस प्रीमिस को आप यूज़ कर सकें अपनी बिज़नेस ट्रेनिंग्स के लिए, अपनी बिज़नेस मीटिंग्स के लिए, तो उसमें कितना हमें रेंट देना पड़ सकता है दोस्तों। बट ये वेस्ट चीज़ का मतलब सुपर मैनेजमेंट है कि इन लोगों ने मतलब हमें मतलब इस शानदार होटल में मतलब घूमना भी हुआ, ऑल ओवर द गोवा का भी घूमना हुआ, और साथ ही साथ मतलब एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे मीटिंग्स भी रन करने का मौका मिला, मतलब सॉरी मीटिंग्स लेने का मौका मिला मतलब। और जो ट्रेनर्स आए थे ना दोस्तों, उन लोगों की तो मतलब बात ही आउटस्टैंडिंग थी। मतलब 3 तरीके के ट्रेनर्स आए हुए थे,
एक तो थे मतलब अंशप्रीत कौर मैडम, जो ब्यूटी एंड मतलब मेकअप में शी इज़ आर्टिस्ट, तो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया था और साथ ही साथ मतलब उसके बारे में लोगों को मतलब एम्पावर किया कि कैसे जितनी भी लेडीज़ वगैरह हैं वो कैसे मतलब कॉस्मेटिक्स के थ्रू एक अच्छा बिजनेस रन कर सकती हैं। और साथ ही साथ उन्होंने पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के ऊपर जो मतलब चर्चा करी, जो उन्होंने लोगों को एम्पावर किया, वैल्यू डिलीवर किया, वो आउटस्टैंडिंग था दोस्तों। कहा जाता है दोस्तों कि मतलब ये सारी चीज़ें अगर हम लोग नेट पर लेने जाएंगे तो मतलब सब मिक्सअप होगा, बट उन्होंने स्टेप बाय स्टेप हमें बताया ABCD क्या होती है पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में, वहाँ से लेके बहुत सारी चीज़ें बताई। तो अभी हम लोग देखते हैं, आप जैसे यहाँ पर देख पा रहे होंगे दोस्तों, मीटिंग रूम ये है, मतलब वैशिष का शानदार सा मीटिंग हॉल। और यहीं पर दोस्तों मतलब ऑलमोस्ट 400 से ज़्यादा लोग थे मतलब यहाँ पर इस 3 days 2 nights में। यहाँ पर आप देख पाएंगे दोस्तों यहाँ का स्टेज था, तो नेक्स्ट जो वर्कशॉप हुआ था वो हुआ था मतलब रुचिका गायकवाड़ मैडम का, और वो था हेल्थ वर्कशॉप। सबसे शानदार मुझे लगा मतलब वो भी, क्योंकि हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों को जानना, उसके बारे में मतलब लोगों को अवेयरनेस क्रिएट करना, वो अपना एक बहुत शानदार मिशन है मतलब दोस्तों के, मतलब कैसे हम हेल्दी वेल्दी लाइफ क्रिएट कर सकते हैं लोगों के लिए। तो उन्होंने मतलब अपने जो हेल्थ से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बताया कि आज की डेट में हमें मतलब न्यूट्रिशंस की क्यों ज़रूरत है, और अगर हमें हेल्दी लाइफ को लीड करना है, बहुत सारी जो लाइफस्टाइल डिजीजेस से हमें अगर बचे रहना है तो हम लोग क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, क्या प्रिवेंटिव मेजर्स ले सकते हैं। और लोगों को सबसे शानदार बात जो उन्होंने बताई दोस्तों कि मतलब कहीं ना कहीं हम अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए हम अपने PVs के चक्कर में लोगों को मिसकमिटमेंट कर बैठते हैं और मिसकंसेप्शंस हमें भी हो जाते हैं, तो वो चीज़ें गलत चीज़ें प्रमोट ना करें, लोगों को मतलब सही जानकारी ज़रूर दें अपने यूज़र्स को, अपने बिजनेस पार्टनर्स को, क्योंकि अगर गलत अगर चीज़ अगर फैलेगी ना दोस्तों तो बहुत नुकसान होता है मतलब लॉन्ग टर्म में, सामने वाले का भी होता है और हमारा भी होता है। तो प्रोडक्ट नॉलेज, एक अच्छी नॉलेज लेना बहुत ज़रूरी है। और यहीं पर दोस्तों कल शाम में मिस्टर प्रवीण शाह जी का भी बहुत शानदार सा मतलब एक मतलब वर्कशॉप हुआ था, डैट वॉज ऑन दी वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम VIP। उनकी भी काफ़ी चीज़ें हमें शानदार लगी, मतलब एक जो एक्टिविटी उन्होंने कराई मतलब यहाँ पर दोस्तों बहुत शानदार लगी थी। उन्होंने मतलब जो फॉलो द लीडर के ऊपर मतलब जो एक एक्टिविटी करवाई, एक एक्टिविटी करवाए जिससे सब लोगों को एनर्जी भी मिली और सब लोगों को एक डायरेक्शन भी मिला कि अगर हमें अगर लीडर बनना है तो कहीं ना कहीं हमें अपने जो मेंटोर हैं उन्हें हमें फॉलो करना है, उन्हें उनके इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है। और मेंटोर होते हैं बिजनेस में, स्पोर्ट्स में होते हैं कोच। तो ये था दोस्तों, और यहाँ पर शानदार सा सबसे चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, आप यहाँ पर देख पाएंगे कि सेटिंग अरेंजमेंट, आप देख पाएंगे कि पूरा हॉल जैम पैक भरा हुआ था, उसके बावजूद भी यहाँ पर भी आप देख पाएंगे यहाँ पर भी सिटिंग एरिया इन्होंने कितना शानदार बनाया हुआ है, ये भी पूरा भर गया था मतलब। तो इस तरीके का दोस्तों आप इमेजिन करें, अगर आप अगर अपने ट्रेडिशनल बिजनेस में ही अगर आप एक्सपांशन के लिए मतलब कुछ एक इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं तो इसके लिए आपको कितना आपको रेंट देना पड़ेगा। और यही सेम चीज़ दोस्तों वैशिष ने अपने बहुत सारे ऑफिसेज खोले हुए हैं, ऑलमोस्ट 3000 से ज़्यादा DLCPs हैं, मिनी DLCPs हैं, तो उस फैसिलिटी को हम लोग यूज़ कर सकते हैं अपने बिजनेसेस को, बिजनेस ट्रेनिंग्स देने के लिए, अपने बिजनेस मीटिंग्स रन करने के लिए, लोगों को वहाँ पर एजुकेट करने के लिए आप उस प्रेमिस को यूज़ कर सकते हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट दोस्तों। हम लोग तो दुबई में हम लोग देख पा रहे हैं दोस्तों मतलब इतनी छोटी सी स्पेसेस को लेने के लिए हमें कितना रेंट देना पड़ जाता है पर डे का, और वो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है वैशिष का। तो ये चीज़ को हमें डेफिनेटली मतलब इसको यूटिलाइज करना चाहिए अपने आप में। और जैसे ही मीटिंग ख़त्म हुई थी दोस्तों, तो यहाँ पर मतलब जो इवनिंग्स में मतलब जो ये टीज वगैरह सर्व की गई थी विद द स्नैक्स, वो भी काफ़ी अमेजिंग था। तो ओवरऑल देखा जाए तो दोस्तों एक शानदार सा एक लोकेशन है, और भी बहुत सारी चीज़ें हम लोग गोवा के एक्सप्लोर कर सकते हैं। एंड वी ऑल मिस यू ऑल गाइज, मतलब आप लोग हमारे एक फैमिली की तरह हैं, एक फैमिली का एक पार्ट है कम्युनिटी का। तो
वी विश डैट हमारा जो 2023 है, अब थर्ड और फोर्थ क्वार्टर बचा हुआ है दोस्तों, तो वो एक हमारा हेल्दियर, वेल्दियर और हैप्पियर होना चाहिए. तो विश एवरी वन अ ग्रेट हेल्दियर, वेल्दियर एंड अ हैप्पियर लाइफ अहेड, एंड एंजॉय द ब्यूटी ऑफ दिस गोवा. और साथ ही साथ दोस्तों, आप लोग जब भी आप लोग गोवा आएँ तो इन सब डेस्टिनेशंस को आप लोग ज़रूर विज़िट कर सकते हैं. बहुत शानदार से ये डेस्टिनेशंस हैं. इसमें से हम लोग जो गए हुए थे, कुछ बीचेस पे गए हुए थे, मतलब वो काफ़ी शानदार थी. मतलब बागा बीच यहाँ का बहुत फेमस है, मतलब वो भी आप लोग एक्सप्लोर कर सकते हैं, मतलब अपने नियर एंड डियर वंस के साथ मतलब जाकर. और अगेन दोस्तों, मैं आप लोगों को एक ही चीज़ का एडवाइस का देना चाहूँगा एज अ हार्ट केयर एडवाइज़र, एज अ मिनरल वाटर सप्लायर, डैट मतलब अकेले घूमना दोस्तों इसमें कोई मज़ा नहीं है. अगर आप अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अगर घूमने जाते हो एक ही साथ, तो एक अलग ही थ्रिल होता है. साथ ही साथ अगर आप अपने टीम मेम्बर्स के साथ जाते हैं, बिजनेस पार्टनर्स के साथ जाते हैं, तो वो अपने आप में एक शानदार मतलब एक होता है, एक्सपीरियंस होता है. तो आप लोग इन्जॉय करें इस सुनहरे मतलब नज़ारे को अलॉन्ग विद दी वन ऑफ द फैंटास्टिक दी प्राइवेट दी स्विमिंग पूल एज वेल. And you go self-made.